गाइस, सुनीताज किचन में आपका स्वागत है। तो आज सुनीताज किचन में बन रहे हैं दही बल्ले। दही बल्ले एक नए तरीके से बना रहे हैं हम। इसके लिए मैंने दो कटोरी दाल ली है। दाल मैंने दो तीन मिक्स कर ली हैं। बाकी दालें तो अपनी चॉइस है कि मूंग की दाल और उड़द की दाल के भी बन सकते हैं, उड़द की दाल के भी बनते हैं। पर मैंने इसमें तीन दालें मिक्स की हैं। चने की दाल भी मिक्स की है, उड़द की दाल भी है, सबसे ज़्यादा उड़द की दाल है, थोड़ी मूँग की दाल भी है। तो आइए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम अपनी दाल को पीस लेते हैं। एक हमने जार ले लिया है, इसमें अपनी दाल डालेंगे हम। दाल को 3 से 4 घंटे के लिए भिगोना है। फिर ज़्यादा दाल भिगोने से पानी में स्मेल आने लग जाती है, तो मैं इस दाल को 3 से 4 घंटे के लिए भिगोया था। बस इतनी दाल लेंगे हम। इसमें 2 हरी मिर्ची, 2 अदरक के टुकड़े डाल देंगे। साथ में पीसेंगे तो इससे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। तो आप देखिए हमारी दाल पिस चुकी है, एकदम बारीक दाल पिसी है, जैसे दही बड़े बनते हैं एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट स्पॉन्जी से दही बड़े बनेंगे। इसके एकदम परफेक्ट दाल पिसी हुई है। अब इसको एक हम कटोरी में निकाल लेंगे सारी दाल को। तो देखिए सारी दाल हमने पीस ली है और पीस के इसे अच्छे से फेंट लेंगे। एक ही डायरेक्शन में इसे फेंट देंगे। अगर हमने इसको इस तरीके से फेंटना शुरू किया है तो इसी तरीके से फेंटेंगे, इसे उल्टा नहीं फेंटेंगे, ताकि इसमें जो हवा है वो इधर की साइड ही रहेगी। बस इसे 5 से 6 मिनट अच्छे से फेंट लेंगे। अब इसमें हम ऐड करेंगे 1/2 चम्मच नमक, 1 चम्मच जीरा, और इनको मिक्स करके अच्छे से फेंट लेंगे ताकि दाल में दोनों चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाए। दाल को जितना फेंटेंगे उतने ही अपने दही बड़े सॉफ्ट बनेंगे। देखिए दाल हमारी अच्छे से फिट चुकी है। अब इसे हम 5 से 6 मिनट रेस्ट पर रख देंगे। अब हम अपना एक मसाला है उसे तैयार कर लेते हैं। घर में ही तैयार करेंगे इसके मसाले को। तो आइए हम अपना मसाला बनाना शुरू करते हैं। एक पैन ले लिया है मैंने, इसको गरम कर लिया है। इसमें 2 चम्मच जीरा, 2 चम्मच करीब मैंने सौंफ लिया है, और काली मिर्च ली है कुछ दाने। इनको हल्का हल्का चलाएंगे लो फ्लेम पे। एक से 1.5 चम्मच अजवाइन, इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इनको ज़्यादा नहीं भूनना है, बस हल्का सा भूनना है। इनमें थोड़ी नमी होती है मसालों में, आजकल बारिश का मौसम चल रहा है, बस इनकी नमी निकल जाए फिर हम इसको पीस लेंगे। तो हमारी ये मसाला भुन चुका है अच्छे से, अब इसे हम पीस लेंगे। ये मसाला दही बड़े में यूज करेंगे, इसे किसी भी सब्जी में यूज कर सकते हैं। घर का मसाला है, ख़राब नहीं होता ये। तो इसे पीस लेते हैं। तो हमारा मसाला अच्छे से ठंडा हो चुका है। अब इसमें हम 1 चम्मच नमक ऐड करेंगे, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे। बस इसे अब हम पीस लेंगे। देखिए हमारा मसाला अच्छे से पीस चुका है, एकदम बारीक मसाला पीस लिया। इसे किसी भी सब्जी में यूज़ कर लेंगे, थोड़ा हमने स्टोर कर लेंगे। तो गाइस हमारा मसाला एकदम रेडी है। देखिए इसका कलर कितना सुंदर आया है। ऐसे किसी भी चीज़ में यूज़ कर लेंगे। इसे हम रख देंगे अब साइड में। अब हम एक बाउल ले लेते हैं। बाउल में हमें पानी मैंने थोड़ा सा गर्म कर लिया है, हल्का गुनगुनाया, ज़्यादा नहीं है। इसे हम करीब 2 गिलास करीब पानी बाउल में डालेंगे, और इसमें 1 चम्मच करीब नमक, 1/2 चम्मच करीब हींग लेंगे, ताकि ये हमारी हींग अच्छे से घुल जाएगी और पानी हमारा तैयार होगा। जो हम बड़े सेकेंगे उनको इसमें डालते जाएंगे तो हमारे बड़े अच्छे से गल जाएंगे और सॉफ्ट हो जाएंगे, और हमारा पानी भी तैयार हो जाएगा जब तक।
अब इसको कर देते हैं हम साइड में। अब देखते हैं हमारी दाल अच्छे से फेंट ली है। तो गाइस देखिए हमारी दाल अच्छे से फेंट ली है हमने। 5 से 6 मिनट हमने रेस्ट पे भी रख लिया है। एकदम दाल हमारी बड़े बनाने के लिए परफेक्ट है। अब हम अपने बड़े बनाना शुरू करेंगे। इधर मैंने एक कढ़ाई ले ली है, उसे गर्म कर लिया अच्छे से, इसमें तेल डाल के गर्म हो चुका है। एक बार चेक करके देख लेते हैं हल्का सा डाल के। गर्म हो चुका है तेल। गैस ज़्यादा तेज़ नहीं रखनी है, थोड़ा कम ही रखना है। बड़े बनाने के हिसाब से तेल गर्म हो चुका है। तो आइए इधर हमने एक कटोरी में पानी ले लिया है, इसको हम अच्छे से हाथ अपना धो लेंगे। अब हम इसमें से दाल लेंगे। अपने साइज आपके ऊपर है, किसी भी साइज़ के बना सकते हैं, बड़े साइज़ के, छोटे साइज़ के। मैं तो मीडियम साइज़ के बना रही हूँ, ये फूलते भी हैं बाद में। अब अपना हाथ फिर से साफ कर लेंगे। हाथ बार बार पानी में धोने से दाल चिपकती नहीं। देखिए दाल को हमने इतना फेंट लिया है कि बड़े डालते ही एकदम ऊपर आ जा रहे हैं। अब देखिए हमारे बड़े पहले कच्चे थे, तो मतलब इन्हें पहले नहीं बदलना चाहिए, इनको थोड़ी देर रखने चाहिए। रखने से अब इनमें थोड़ा सा पक गए हैं अंदर से। अगर तेज़ आंच पे करेंगे आप तो ये जल जाएंगे, अंदर से कच्चे रह जाएंगे। धीमे धीमे गैस पे अगर सिकेंगे तो अंदर से भी सिक जाएंगे और ये खुद ही बदल गए। तो देखिए आप हमारे बड़े अच्छे से सिक चुके हैं। अब हमने इनको एक प्लेट ले ली, हमने प्लेट में एक नैपकिन रख लिया है ताकि इनमें जितनी भी चिकनाई है वो सारे सोख लेंगे। इसी तरीके से हम जो बाकी हमारी दाल बची है सारे बड़े हम इसी तरीके से सीख लेंगे। तो देखिए हमारे बड़े कितने सॉफ्ट बने, एकदम मुलायम। ये देखिए कितने सॉफ्ट बने, खाने में भी इतने टेस्टी लगेंगे, एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट। अब इनको हम एक पानी जो हमने गर्म किया था उसमें डाल देंगे। करीब 10 मिनट के लिए इन्हें हम इसमें भिगो देंगे, अच्छे से हमारे बड़े फूल जाएंगे पानी में, नमक और हींग वाला पानी। अब इसे हम 10 मिनट रेस्ट के लिए रख देंगे, तब हम बची हुई दालें उस बाकी के बड़े भी इसी तरीके से बना लेंगे। देखिए इन पकौड़ियों ने कितना ऑयल छोड़ा है। कोई भी तली हुई चीज़ बनाएं, आप पकौड़ी बनाएं, रोल बनाएं, कुछ भी बनाएं, तो आप नैपकिन प्लेट में ज़रूर रखें ताकि जितनी भी चिकनाई होती है सारी नैपकिन में आ जाए। तो आपकी सेहत भी अच्छे से बनी रहेगी और आपके खाने का टेस्ट भी अच्छे से बना रहेगा। तो आइए देखिए हमारे बड़े अच्छे से फूल पानी में गल गए। देखिए हल्के हाथ से हमने दबा के सारा पानी निकाल दिया है, एकदम कितने सॉफ्ट बने हैं ये। बाकी के बड़े भी हम हल्के हाथ से पानी निकाल के रख देंगे बाउल में। तो देखिए बचा हुआ जो पानी है हमारे बड़े का, इसी में हम बाकी के जो हमारे पास हैं उनको भी भिगो देंगे। अच्छे से थोड़ा हाथ से इनको दबा लें।
ताकि ये अच्छे से फूल जाए। अब इनको हम 10 मिनट के लिए साइड में कर देंगे। और ये हमने अपने बड़े जो फूले हुए थे पानी में उनको निकाल लिया है। अब इनमें हम अपनी जो हमने सामान लिया है वो डालेंगे। सबसे पहले डालेंगे हम इसमें दही। दही को मैंने अच्छे से फेंट लिया है, अच्छे से पूरा बग जो भी बड़े हैं हमारे सारे कवर कर देंगे हम दही से। अब हम डालेंगे हरी चटनी धनिया वाली। अब हम डालेंगे इमली वाली चटनी। तो अब हम डालेंगे इमली वाली चटनी। अब हम डालेंगे इसमें भुना हुआ जीरा। ये जो मसाला अभी हमने बनाया है हल्का सा मसाला डालेंगे। हल्का सा नमक काला डाल रही हूँ मैं, आप अपने स्वाद अनुसार डालें। नमक हम बड़े में भी डाले थे, चटनी में भी डाले, तो नमक मैं अपने हिसाब से डाल रही हूँ, आप भी अपने स्वाद अनुसार डालें। और इसमें डालेंगे हल्का सा अनार। बारीक कटा हुआ धनिया। ये हमारे बड़े एकदम रेडी हैं। हमारी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। नेक्स्ट वीडियो के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। We'll be right back.